जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो पे हम दुनिया की पांच सबसे पावरफुल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में जानेंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है वहां पर क्लिक करके ऑल वाला बेल आइकन की घंटी पर प्रेस कर दीजिए। नंबर 5, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसको इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉइंटली टाटा और L&T ने मिलकर बनाया है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की 12 बैरल मौजूद है, जिसका अलग अलग वेरियंट भी मौजूद है। पिनाका मार्क 1 की रेंज 37 किलोमीटर तक, पिनाका मार्क 2 की रेंज 60 किलोमीटर तक और पिनाका गाइडेड वेरिएंट जिसका रेंज 75 किलोमीटर तक। DRDO पिनाका मार्क 3 का ऊपर भी काम कर रहा है, जिसका रेंज 120 किलोमीटर तक होगा। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को ऑपरेट करने के लिए 5 क्रू मेंबर का जरूरत होता है, जिसका एक रेजिमेंट को ऑपरेट करने में कॉस्ट आता है 430 करोड़ रुपया। नंबर 4, TOS-1, जिसको रशिया ने बनाया है। TOS-1 में 24 बैरल होता है, जिसका रेंज है 10 किलोमीटर तक। TOS-1 को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का जरूरत होता है, जिसका पर लॉन्चर यूनिट को ऑपरेट करने का कॉस्ट आता है 6.7 मिलियन रूबल। नंबर 3, BM-30 Mars भी एक रशिया की मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसका रेंज है 70 से 130 किलोमीटर तक, जिसको ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का जरूरत होता है। BM-30 Mars को भी दुनिया की सबसे पावरफुल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का लिस्ट में गिना जाता है। BM-30 Mars के ऑपरेट करने का पर यूनिट कॉस्ट आता है $12 मिलियन। नंबर 2, M270। M270 एक अमेरिकन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसका GPS गाइडेड सरफेस टू सरफेस मिसाइल का रेंज होता है 300 किलोमीटर तक। M270 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का जरूरत होता है, जिसका पर रॉकेट लॉन्चर का यूनिट का कॉस्ट आता है $3 मिलियन। नंबर 1, M142 हिमार्स, जिसको अमेरिका के लॉकेट मार्टिन ने बनाया है, जिसका अलग अलग वेरिएंट मौजूद है, जिसका M57 वेरिएंट का रेंज है 300 किलोमीटर तक, जिसको ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का जरूरत होता है। M142 हिमार्स की ऑपरेट कॉस्ट आता है $4 मिलियन। दोस्तों, ये था दुनिया के 5 सबसे पावरफुल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।